हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हियर आई एम नबाहत हुस्ना एंड वेलकम टू आवर चैनल मोटिव स्टडी। इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड के साइंस मॉडल क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए ही हेल्पफुल नहीं है, बल्कि जो कर्नाटका TET एग्जाम के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन पेपर बेहद जरूरी है, क्योंकि हमने ये एनालाइज किया कि जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है कर्नाटका TET के 2020 के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस इसी से रिपीटेबल हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ए डिवाइस यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्क्यूट इज डैश, वेदर इट इज एमीटर, रियोस्टैट, गैल्वेनोमीटर या फिर वोल्टमीटर। माय डियर फ्रेंड्स, शायद आपको क्वेश्चन ब्लर नजर आ रहा होगा, ये स्कैन और स्मॉल साइज होने की वजह से बहुत ब्लर हो चुके हैं, थोड़ा सा कॉपरेट करें। मैं जब पढ़ूंगी तो आप तभी उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। सो अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द इलेक्ट्रिक सर्क्यूट, एक ऐसा डिवाइस जिसका हम इस्तेमाल किस में करते हैं, रेजिस्टेंस को चेंज करने में इन द इलेक्ट्रिक सर्क्यूट, वो कौन सा डिवाइस है? तो यहाँ पे देखें, एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो डायरेक्ट करंट या फिर अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करता है। अच्छे से याद रखें, एमीटर जो है ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि डायरेक्ट करंट या फिर अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करता है। देन रियोस्टैट एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक सर्क्यूट के रेजिस्टेंस को चेंज करने में हेल्प करता है। रेजिस्टेंस यानी कि प्रिवेंट करना, रोकना, करंट को कंडक्टर से गुजरते हुए उसको प्रिवेंट करना, करंट को रोकना सर्क्यूट में, और उस रेजिस्टेंस को चेंज करते जाना, तो यही रियोस्टैट का काम है। तो हम इसको नेम देंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, अब नाउ गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज गैल्वेनोमीटर हियर? इट डिटेक्ट्स द करंट। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करता है। अब एमीटर और गैल्वेनोमीटर में क्या डिफरेंस है? एमीटर एक लार्जर पोर्शन ऑफ करंट को डिटेक्ट करता है, जबकि गैल्वेनोमीटर स्मॉलर पोर्शन ऑफ द करंट को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। देन नाउ हियर वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर क्या है? वोल्टमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को मेजर करने में हेल्प करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इन सभी को छोटे छोटे पॉइंट्स में एनालाइज करूं, तो एमीटर का काम है अल्टरनेटिंग करंट या फिर डायरेक्ट करंट को मेजर करना, रियोस्टैट का काम है रेजिस्टेंस यानी कि इलेक्ट्रिक सर्क्यूट में रेजिस्टेंस को चेंज करना, और गैल्वेनोमीटर का काम है करंट को डिटेक्ट करना, करंट को मेजर करना, और वोल्टमीटर का काम है वोल्टेज को मेजर करना। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या है? रियोस्टैट। रियोस्टैट एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक सर्क्यूट में रेजिस्टेंस को चेंज करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मिडिल फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ डैश, वेदर इट इज मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट या फिर मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर। माय डियर फ्रेंड्स, फ्लेमिंग ने दो तरह के रूल्स बनाए हैं। एक है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ओके, और एक है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो माय डियर फ्रेंड्स, फ्लेमिंग के ये दोनों भी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो थंब है वो किसको इंडिकेट करता है? थंब है फोर्स को इंडिकेट करता है, ओके। देन ये जो फर्स्ट फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, और ये जो सेकेंड फिंगर है वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को या फिर करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करती है, ओके। वेदर इट इज लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, सभी फिंगर्स एक ही चीज को इंडिकेट करते हैं। ये दोनों भी जो थंब है वो फोर्स को इंडिकेट करते हैं, ये जो फर्स्ट फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती है, और ये मिडिल फिंगर जो है ये दोनों भी करंट को इंडिकेट करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि दोनों हैंड के तीनों भी फिंगर्स सेम डिनोट तो कर रहे हैं, लेकिन दो हैंड को लेने की जरूरत ही क्या थी? तो यहाँ पे फ्लेमिंग के जो लेफ्ट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल है, ये दोनों अलग अलग सर्क्यूट पे वर्क करते हैं। जैसे कि फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है ये मोटर पे वर्क करता है, और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल
ये जनरेटर पे वर्क करता है। अच्छे से याद रखें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये क्वेश्चन में आ सकता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज वर्क ऑन द मोटर एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज वर्क फॉर द जनरेटर। इसको हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, ये जो इस पे फोकस कीजिए FLR, इसमें सिर्फ एक आर है तो यहाँ पे हम एक आर ले सकते हैं ना। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज वर्क फॉर मोटर एंड यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में दो आर है तो यहाँ पे भी जनरेटर में दो आर है, इसको इंडिकेट कर सकते हैं ना। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के लिए हमने जनरेटर को लिया। सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज वर्क फॉर मोटर एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज वर्क फॉर जनरेटर। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब इन दोनों पे अगर हम फोकस करेंगे, दोनों हैंड पे, तो दोनों हैंड के फिंगर तो सेम को इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी ट्रिक बताना है जिससे हमको याद रह जाए। तो हम फोर्स को कंसिडर करेंगे फादर, मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर करेंगे मदर और इलेक्ट्रिक करंट को कंसिडर करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को कंसिडर करेंगे चाइल्ड। ओके, इससे आपको अच्छे से याद रह जाएगा, फादर मदर एंड चाइल्ड। फादर यानी के फोर्स, मदर यानी के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और चाइल्ड यानी के इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह के किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को आप आंख बंद करके सॉल्व कर सकते हैं। इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मिडिल फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ, मिडिल फिंगर कौन सी है, ये तो थंब हो गया, ये तो फर्स्ट फिंगर हो गई, ये फिर मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर करंट, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पे है, द ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। हियर द क्वेश्चन इज, अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर -0.5 डायोप्टर, डी यानी के डायोप्टर, टू द पर्सन, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस एंड द टाइप इज डैश, वेदर इट इज -2mm एंड कॉन्केव लेंस, +2mm एंड कॉन्वेक्स लेंस, +2mm एंड कॉन्केव लेंस, या फिर -2mm एंड कॉन्वेक्स लेंस। माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि एक पर्सन को डॉक्टर -0.5 डायोप्टर के पावर का लेंस यूज करने की सलाह दे रहा है। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड द टाइप, अब हमको ये बताना है कि इसकी फोकल लेंथ क्या है। ये जो -0.5 डायोप्टर है, ये है लेंस का पावर, पावर ऑफ लेंस। ओके, अब हमको बताना है कि इसका जो फोकल लेंथ है वो क्या होगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपके कुछ बेसिक पॉइंट्स को बता दी चलूं। यहां पे पावर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, पावर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ, यानी कि अगर पावर इंक्रीज होगा तो फोकल लेंथ डिक्रीज होगा, और अगर फोकल लेंथ इंक्रीज होगा तो पावर डिक्रीज होगा। एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, डायोप्टर है, अच्छे से याद रखें। एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस इज डायोप्टर। ओके, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, लेंसेज दो तरह के होते हैं, एक है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और एक है कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ह्यूमन आई में ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है, ये जो है ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये जो है ये रेटिना का पोर्शन है। ओके, यहां पे सिलियरी मसल्स होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि लेंस अगर ऑलरेडी ह्यूमन आई में लेंस ऑलरेडी प्रेजेंट है तो अलग से लेंस की जरूरत पड़ती ही क्यों है। तो यहाँ पे इसका आंसर है, हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हमारी नजर पड़ती है तो इसके जो रेज हैं वो अगर रेटिना के पहले या फिर रेटिना पे ना पड़ के उस रेज का कन्वर्जन अगर रेटिना के बाद में हो या फिर रेटिना के पहले हो तो हमको चीजें ब्लर दिखाई देने लगती हैं। रेटिना पे अगर कन्वर्जन हुआ तो हमको चीजें क्लियरली दिखाई देने लगती हैं। अगर उस इमेज का रिफ्लेक्शन रेटिना पे ना हो, रेटिना से पहले हो, तो हमको कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। ये इमेज है, इसका कन्वर्जन रेटिना से पहले हो रहा है,
ओके, यहाँ पे इसका कन्वर्जन हो रहा है जिसकी वजह से इमेज जो है वो ब्लर दिखाई देती है, या फिर अगर यही इमेज का रिफ्लेक्शन रेटिना के बाद में हो यहां पे अगर हो रहा है तो यहां पे इस इमेज का कन्वर्जेंस हो रहा है तब भी हमको चीजें ब्लर दिखाई देने लगती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितने तरह के डिफेक्ट्स विजन में पाई जाती हैं। तीन तरह के डिफेक्ट्स हमारे विजन में पाई जाती हैं। एक तो है मायोपिया जिसको हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, नियर साइटेडनेस, और दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम फार साइटेडनेस का नाम देते हैं, और एक है प्रेसबायोपिया। माय डियर फ्रेंड्स, मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जिस इंसान को नजदीक की जो चीजें हैं वो ब्लर दिखाई देती हैं, वो क्लियरली विजिबल नहीं होती, क्लियरली दिखाई नहीं देती, तो हम उसको मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस का नाम देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस केस में हमेशा जो इमेज है वो रेटिना के सामने फॉर्म होती है। ये हो गया लेंस, यहाँ पे इमेज जो है वो रेटिना से इनफ्रंट यहाँ पे फॉर्म होती है जिसकी वजह से जो नजदीक की जो चीजें हैं वो ब्लर या फिर क्लियरली विजिबल नहीं होती। मायोपिया इस केस में हम कॉनकेव लेंस का यूज करके हम इस डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं। आओ हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया यानी के फार साइटेडनेस जिसे हम कहते हैं, ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें लोगों को दूर का क्लियरली विजिबल नहीं होता। हाइपरमेट्रोपिया में इमेज जो है वो रेटिना के बाद में, रेटिना के पीछे फॉर्म होती, इमेज फॉर्म होती है, इसीलिए हम इसको हाइपरमेट्रोपिया जिसमें दूर की जो चीजें हैं वो ब्लर नजर आती हैं। तो हम यहाँ पे सुइटेबल जो लेंस है उसका इस्तेमाल करके इस डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं। सुइटेबल लेंस यहाँ पे क्या हो गया, जबकि मायोपिया में कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल होता था, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है। कॉन्वेक्स लेंस को यूज करके इस डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं। अब आता है प्रेसबायोपिया। माय डियर फ्रेंड, प्रेसबायोपिया जो है ये ऑलमोस्ट एज्ड जो पीपल हैं उनमें देखने को मिलता है, एज्ड जो पर्सन है उनमें देखने को मिलता है। इस केस में भी इमेज जो है वो रेटिना के पीछे फॉर्म होती है, जैसे कि हमने हाइपरमेट्रोपिया में देखा था। प्रेसबायोपिया के लिए जो लेंस है वो है कॉन्टैक्ट लेंस। ओके, कॉन्टैक्ट लेंस हम इसका यूज करके प्रेसबायोपिया के डिफेक्ट को क्योर कर सकते हैं। इन सभी का एक शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे। फोकल लेंस जो है, फोकल लेंस एंड पावर, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पावर इंक्रीज हुआ तो फोकल लेंस डिक्रीज होता है, और फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हुआ तो पावर डिक्रीज होता है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या है, डायोप्टर है। लेंस दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, और यहाँ पे हमने तीन तरह के डिफेक्ट पढ़ा था, एक है मायोपिया, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा है प्रेसबायोपिया। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, अगर कोई नजदीक की चीज ब्लर दिखाई देती है तो हम उसको मायोपिया कहते हैं। ओके, यहाँ पे कॉनकेव लेंस को यूज करके इस डिफेक्ट को दूर किया जा सकता है। हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके इस डिफेक्ट को दूर किया जा सकता है, और हम इसको फार साइटेडनेस भी कहते हैं। प्रेसबायोपिया ऑलमोस्ट एज्ड जो पर्सन है उनमें दिखाई देता है, और हम इसमें कॉन्टैक्ट लेंस का यूज करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑलवेज पॉजिटिव साइन डिनोट होती है, एंड कॉनकेव लेंस के लिए ऑलवेज निगेटिव साइन डिनोट होती है। तो हम इसके थ्रू अच्छे से याद रख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। ओके, तो ये पॉइंट को अच्छे से याद रखें। अब क्वेश्चन पढ़ें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हियर द क्वेश्चन इज, डॉक्टर प्रिस्क्राइब अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर -0.5 डायोप्टर टू द पर्सन, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड द टाइप इज डैश
माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे माइनस दिखाई दे रहा है, तो माइनस आते ही हमारे माइंड में ये फ्लैश अप हो जाना कि पॉजिटिव साइन इज ऑलवेज यूज फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड निगेटिव साइन इज ऑलवेज यूज फॉर कॉन्केव लेंस। तो यहाँ पे कॉन्केव लेंस, अब दो ऑप्शन में कॉन्केव लेंस है। अब आंसर क्या आएगा उसको सॉल्व करेंगे। जो पावर है एंड फोकल लेंस है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पावर यहाँ पे दिया हुआ है -0.5 इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंस। ओके, देन फोकल लेंस यहाँ पे चला जाएगा, फोकल लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 -0.5। देन यहाँ पे f इज इक्वल टू 1 अपॉन -0.5 क्या आएगा, -2 मीटर। तो आंसर आ गया यहाँ पे माइनस आ गया, तो कॉन्केव लेंस आ गया और -2 मीटर एंड कॉन्केव लेंस। हियर द आंसर इज ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, वेदर इट इज वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल साइज, वर्चुअल इन्वर्टेड एंड स्मॉल साइज एंड रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन है वो लाइट के जो टॉपिक है उसका लास्ट कंडीशन है, वो एज इट इज दिया हुआ है। यहाँ पे पूछ रहा है नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ फोकस। यहाँ पे जो इमेज है वो ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में फॉर्म हो रही है। ओके, ये प्रिंसिपल ऑफ फोकस F1 है, ये ऑप्टिकल सेंटर O है और इमेज जो है यहाँ पे फॉर्म हो रही है। तो इमेज कैसी है, आप वो कंडीशन को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज फॉर्म। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे उन कंडीशंस को समझाऊंगी तो बहुत देर लग जाएगी और वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। बेहतर है कि आप रीडर को ओपन करें और उन कंडीशंस को एक मरतबा देख लें। नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ फोकस एंड ऑप्टिक सेंटर, द ऑप्टिक सेंटर O ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज whether इट इज वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। तो आंसर है इसका वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। द क्वेश्चन इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। व्हेन इट ड्रॉज अ करेंट ऑफ 4 एमीटर फ्रॉम द सोर्स, द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल इज डैश, whether इट इज 15 ओम, 240 ओम, 24 ओम या फिर 64 ओम। माय डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 60 वोल्ट। ओके, व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, द करंट इज हियर 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल। तो हमको पता करना है रेजिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ओम्स लॉ अप्लाई होता है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू IR, जहाँ पे V क्या है, जहाँ पे V जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, I जो है ये करंट है और R जो है ये रेजिस्टेंस है। ओके, रेजिस्टेंस, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम V इज इक्वल टू IR, V तो दिया हुआ है, करंट भी दिया हुआ है, हमको मालूम करना है रेजिस्टेंस। सो R इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में इधर जाके डिविजन फॉर्म में आएगा, V by I। देन हियर R इज इक्वल टू, V क्या है, V है 60 वोल्ट डिवाइडेड बाई I क्या है 4 एमीटर। ओके, 4 ones are रिमेनिंग हियर 2, 4 fives are 20। ओके, देन रेजिस्टेंस वी गॉट इट एज हियर 15 ओम। द आंसर हियर इज 15 ओम। हियर द क्वेश्चन इज डायामीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज डैश, whether इट इज ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओपरचर या फिर प्रिंसिपल एक्सिस। माय डियर फ्रेंड्स, स्फेरिकल लेंस का ये जो है ये है ऑप्टिक सेंटर। ओके, अच्छे से याद रखें, ये क्या है, ऑप्टिक सेंटर। अगर हम इसका कंप्लीट सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, देन ये जो है इसका कंप्लीट ओपरचर। तो
तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है डायामीटर, डायामीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस का जो डायामीटर है वो क्या होगा, whether it is optical center, center of curvature, aperture या फिर principal axis. तो हम इस complete का ये जो है ये complete aperture है diameter, तो हम इसको name देंगे aperture. The question is inner wall of the solar cooker is painted black color because this reflects light, absorbs more heat, prevents from rusting या फिर converges solar radiations. माई डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इनर वॉल ऑफ द सोलार कुकर, जो कुकर है उसका इनर वॉल ब्लैक कलर से पेंटेड है. ना सिर्फ सोलार कुकर, अब तो सभी कुकिंग यूटेंसिल्स ब्लैक कलर में पेंटेड आ रहे हैं. वो क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट करता है, हीट को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की इसमें एक खासियत होती है. तो यहाँ पे सोलार कुकर को, सोलार कुकर के इनर वॉल को ब्लैक कलर से पेंट किया गया है क्योंकि क्योंकि इट एब्जॉर्ब्स मोर हीट. द आंसर इज एब्जॉर्ब्स मोर हीट. द क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर इज इट, इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्क्यूट, या फिर इट कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. माय डियर फ्रेंड, इसको याद रखना ही पड़ेगा. फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम क्या है? इट कन्वर्ट्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर इज इट कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन. हियर द क्वेश्चन इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन, नॉट आते ही अपन बहुत अच्छे से चौकन्ना हो जाना चाहिए. ओके, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स ऑन व्हाट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक नेचर या फिर नेचर ऑफ द मटेरियल. माई डियर फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ. ओके, दे बोथ आर हैविंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, मीन्स बोथ आर हैविंग द इनवर्सली प्रोपोर्शनल. एनी हाउ द रिलेशनशिप इज देयर, वेदर इट इज इनवर्सली और डायरेक्टली. ओके, बट इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक नेचर. ओके, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक नेचर ऑफ द कंडक्टर. कंडक्टर के लेंथ, कंडक्टर का एरिया और कंडक्टर का जो नेचर ऑफ द मटेरियल है, उन सभी पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है सिवाय मैग्नेटिक नेचर के. तो इसका आंसर है मैग्नेटिक नेचर. द क्वेश्चन इज डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश, whether it is electromagnetic induction, magnetic effect of the electric current, heating effect of electric current, या फिर chemical effect of electric current. My dear friends, हमेशा से याद रखें direct current and alternating current, या DC या फिर AC, ये दोनों भी electromagnetic induction के principle पे work करते हैं. These both are direct current and alternating current, these both are depends on the electromagnetic induction. So my dear friends, iska answer hai A, electromagnetic induction. Okay, here the question is watt is an SI unit of electric current, electric charge, electric potential difference ya fir electric power. My dear friends, electric current ka jo SI unit hai wo ampere hai. Yahan pe bataungi main electric current SI unit is ampere. Then here electric charge का SI unit जो है वो कोलूम्ब है. अच्छे से याद रखें, ये आ सकता है पेपर में. electric potential difference का SI unit है volt. Okay, then electric power का SI unit है watt. तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि वैट जो है वो किसका SI यूनिट है. ये SI यूनिट है इलेक्ट्रिक पावर का. ये अच्छे से याद रखें, इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट है एम्पियर, इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट है कोलूम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट है वोल्ट, एंड इलेक्ट्रिक पावर का SI यूनिट है वैट. द क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द गिवन टेबल विद इट इज के एल एम एन. के की वैल्यू क्या है यहाँ पे?
6.84 into 8, 10 power minus 8, 1.62 into 10 power minus 8, 5.20 into 10 power minus 8, and here 2.63 into 10 power minus 8. यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमॉन्ग दीज मटेरियल इज डैश, वेदर इट इज के, एल, एम या फिर एन। माय डियर फ्रेंड्स, जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी रहेगी उतना कंडक्टिंग नेचर उसका कम रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस करता है वो उसका कम रहेगा। रेजिस्टिविटी जैसे कि मैंने बताया था कि करंट को प्रिवेंट करता है, तो जितनी रेजिस्टिविटी कम रहेगी तो उसका उतना कंडक्टिंग नेचर ज्यादा रहेगा। जो K है उसकी वैल्यू है 6.84 into 10 power minus 8, ओके। देन L है 1.62 into 10 power minus 8, ओके। देन हियर M, द वैल्यू ऑफ M इज हियर 5.20 into 10 power minus 8, एंड N इज 2.63 into 10 power minus 8, ओके। अब यहाँ पे आप देखिए, ये वैल्यू है रेजिस्टिविटी की, तो जितनी कम रेजिस्टिविटी रहेगी उतना ज़्यादा कंडक्टिंग नेचर ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनमें से कौन सा ज़्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पे जो सबसे कम रेजिस्टिविटी रहेगी उसी में सबसे अच्छा कंडक्टिंग नेचर रहेगा। तो यहाँ पे L जो दिख रहा है उसकी बहुत कम रेजिस्टिविटी दिख रही है, तो यहाँ पे उसका आंसर है L। हियर द क्वेश्चन इज, वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ बायोगैस, वेदर इट इज इट्स हीटिंग कैपेसिटी इज हाई, लीव्स रेसिड्यू लाइक ऐश, इट बर्न्स विद स्मोक, या फिर इट्स हीटिंग कैपेसिटी इज लो। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में बायोगैस की प्रॉपर्टी दी हुई है, आप इन चारों ऑप्शंस को ऑब्जर्व करके बताएं कि कौन सी बायोगैस की प्रॉपर्टी है। इसका आंसर है इट्स हीटिंग कैपेसिटी इज हाई। बायोगैस की जो हीटिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत हाई होती है। लीव्स रेसिड्यू लाइक ऐश, नहीं, इसका आंसर ये तो नहीं होता। इट बर्न्स विद स्मोक, नहीं। इट्स हीटिंग कैपेसिटी इज लो, नो। सो बायोगैस की जो प्रॉपर्टी है, इट्स हीटिंग कैपेसिटी इज वेरी हाई। हियर द क्वेश्चन इज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस ऑफ द लेंस आर -60 cm एंड 20 cm रेस्पेक्टिवली, देन द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस विल बी डैश। माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, एक लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं यू से, ओके, यू से, और इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं वी से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है कितना है, -60 cm, ओके। इमेज डिस्टेंस भी दिया हुआ है कितना है, -20 cm। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पे, -20 cm, डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हियर इज -60 cm। दिस जीरो गेट कैंसिल, माइनस माइनस गेट कैंसिल, 2 1 2 3 0, सो हियर 1/3, 1/3 यानी के 0.33 इज द मैग्निफिकेशन ऑफ दैट लेंस। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कंडीशन है जिसको हमेशा से आप याद रखिए, फॉर पॉजिटिव साइन द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब कभी भी पॉजिटिव साइन में आंसर आता है तो वहां पे हमको समझना चाहिए कि जो इमेज है वो वर्चुअल है और इरेक्ट है, ओके। और अगर जब कभी भी निगेटिव साइन में आंसर आता है तो हमको समझना चाहिए दिस इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ये दो कंडीशंस को अच्छे से याद रखें। फॉर पॉजिटिव साइन द इमेज विल फॉर्म इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, फॉर निगेटिव साइन द इमेज इज ऑलवेज फॉर्म इन रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। नाउ हियर द आंसर इज +0.33, ओके।
द क्वेश्चन इज द प्रोसेस यूज टू कन्वर्ट द मेटल कार्बोनेट ओर इंटू देयर ऑक्साइड इज डैश वेदर दैट इज रोस्टिंग रिडक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर कैल्सिनेशन. माई डियर फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट माई डियर फ्रेंड्स ये जो है ये डेफिनेशन है कैल्सिनेशन का. कैल्सिनेशन ये बताता है कि कन्वर्जन ऑफ मेटल कार्बोनेट इंटू देयर ऑक्साइड इन एब्सेंस ऑफ एयर. अच्छे से याद रखें मेटल कार्बोनेट का कन्वर्जन होना इंटू देयर ऑक्साइड्स ऑक्साइड में कन्वर्ट होना इन एब्सेंस ऑफ एयर. ओके इन एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन मेटल कार्बोनेट ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इस होल प्रोसेस को कहते हैं कैल्सिनेशन. हियर द क्वेश्चन इज करेक्ट ग्रुप ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज वेदर इट इज CH4 C2H4 C3H4 C2H6 C3H8 या फिर C4H10 C2H2 C2H6 या फिर CH4 C2H2 C3H6 या फिर C4H6. माय डियर फ्रेंड्स अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को इंडिकेट करें तो CH4 जो है वो इस तरीके से होता ना CHHH. ओके देन हियर C2H4 C2H4 इट इंडिकेट्स लाइक दैट C2H4 H4 ओनली H4 और दो बॉन्ड हो गए ना 1 2 3 वन मोर बॉन्ड इज हियर 1 2 3 4 ओके C2H4 ओके देन नाउ हियर C2H6 C2H6 1 2 3 4 5 6 माइंड यू फ्रेंड्स अगर हम बी ऑप्शन पे फोकस करेंगे तो यहाँ पे C2H6 C3H8 एंड C4H10 ये सभी क्या है अल्केन ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं. C2H6 जो है वो क्या है इथेन है. C3H8 जो है वो प्रोपेन है और C4H10 क्या है ब्यूटेन है. ये सभी अल्केन फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं और ये अल्केन फैमिली से बिलोंग करते हैं. तो अल्केन क्या है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसीलिए इसका आंसर बी है. द क्वेश्चन इज एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट एक्स इज 11 एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ वाई इज 17 देन द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स आर वेदर इट इज हाइड्रोजन बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड या फिर मेटेलिक बॉन्ड. माई डियर फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट एक्स इज 11 11 यानी कि सोडियम. ओके एटॉमिक नंबर जिसका 11 है वो सोडियम है और सोडियम क्या है एक मेटल है. देन एटॉमिक नंबर ऑफ वाई एटॉमिक नंबर 17 है 17 यानी कि क्रोमियम और क्रोमियम क्या है एक नॉन मेटल है. मेटल एंड नॉन मेटल मेटल एंड नॉन मेटल. माय डियर फ्रेंड्स हमेशा से याद रखिएगा मेटल एंड नॉन मेटल के बीच का जो बॉन्ड है ऑलवेज इट इज इन द फॉर्म ऑफ आयोनिक बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड. सो द आंसर इज आयोनिक बॉन्ड. हियर द क्वेश्चन इज एज पर द वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीजेस नंबर ऑफ OH- माइनस आयोन्स इंक्रीजेस नंबर ऑफ H+ प्लस आयोन्स इंक्रीजेस नंबर ऑफ H+ प्लस आयोन्स डिक्रीजेस या फिर इक्वल नंबर ऑफ OH- माइनस एंड H+ प्लस आयोन्स. माई डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एज द pH वैल्यू pH द फुल फॉर्म ऑफ pH एज पावर ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन इट डिक्रीजेस. सोल्यूशन की pH वैल्यू डिक्रीज होती है कब जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन अगर इंक्रीज हो जाए नंबर ऑफ H+ प्लस आयन अगर सोल्यूशन में इंक्रीज हो जाए तो उस सोल्यूशन की pH वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. अच्छे से याद रखें. हियर द क्वेश्चन इज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कार्बन कंपाउंड दिस वन यानी कि वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो कि इस कार्बन कंपाउंड में प्रेजेंट है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वेदर इट इज aldehyde, अल्कोहल कीटोन या फिर कार्बोक्सैलिक एसिड. माई डियर फ्रेंड्स इस डायग्राम में इस कार्बन के कंपाउंड में
कार्बन कंपाउंड में COOH, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। फंक्शनल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है इस होल कार्बन कंपाउंड में, तो इसका आंसर है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फ्रेंड्स, अगर एल्डिहाइड ग्रुप होता, एल्डिहाइड ग्रुप वो कुछ इस तरीके से होता, अल्कोहलिक ग्रुप कुछ इस तरीके से होता, कीटोनिक ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ, दिस वन कुछ इस तरीके से होता, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH इस तरीके से। हियर द क्वेश्चन इज, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज 20, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू द पीरियड वेदर इट इज 4, 8, 2 या फिर 3। माय डियर फ्रेंड्स, एटॉमिक नंबर जो 20 है वो किसका है? कैल्शियम का है। अच्छे से याद रखें, कैल्शियम एटॉमिक नंबर इज 20। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, पीरियोडिक टेबल में दो तरह के होते हैं, एक है पीरियड और एक है ग्रुप। ओके, पीरियड जो है ऑलवेज हॉरिजॉन्टल रो में आता है, हॉरिजॉन्टल रो में आता है, और ग्रुप जो है ऑलवेज वर्टिकल रो में आता है, वर्टिकल ग्रुप में आता है। माय डियर फ्रेंड्स, सेकेंड ग्रुप और फोर्थ पीरियड में कैल्शियम प्रेजेंट है। सेकेंड ग्रुप, अच्छे से याद रखें, सेकेंड ग्रुप एंड फोर्थ पीरियड में कैल्शियम प्रेजेंट है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2। कितना हो गया? 4s कितना हो गया? 2, 4, 6, 10, 12, 6, 18 प्लस 2, 20। ओके, ये लास्ट में जो 4s2 है ये इंडिकेट करता है पीरियड का नंबर। ओके, हियर 4s2 इट इंडिकेट्स द पीरियड नंबर। सो हियर द आंसर इज बिलोंग्स टू द पीरियड, विच पीरियड? इट इज फोर्थ पीरियड इट इज। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट 20 इज कैल्शियम, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू द विच पीरियड? फोर्थ पीरियड। ओके, द क्वेश्चन इज, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल इज, वेदर इट इज 12, 18, 24 या फिर 6। माय डियर फ्रेंड्स, अगर सिंगल बॉन्ड, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, अगर हम साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ओके सिक्स ही आ गए, H, हियर H, हियर H, हियर H, ओके हियर H, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल। अब इनमें कितने सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हैं? देखिए, वन टू थ्री फोर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So how many single bonds are present in this structure? 18 bonds are there. So here the answer is 18. Here the question is, in modern periodic table, as we move down the group, the atomic size of the element, whether it is decreases, does not change, increases, या फिर first increase then decreases. My dear friends, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होगा। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस, ऑलवेज रिमेंबर दैट। ओके, एंड ऑल्सो इस कंडीशन को भी याद रख लीजिएगा, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, atomic size decreases. As we move from top to bottom, atomic size increases. And as we move from left to right, atomic size decreases. Here, the question is, observe the following chemical reactions. Fe plus CuSO4 gives rise to FeSO4 plus Cu.
आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, इट गिव्स राइज टू आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, एंड हियर जिंक प्लस FeSO4, जिंक रिएक्ट विद द आयरन सल्फेट, इट गिव्स राइज टू जिंक सल्फेट प्लस आयरन. द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल इन द अबव रिएक्शन इज डैश, वेदर जिंक इज लार्जर देन आयरन एंड दैट इज लार्जर देन कॉपर, देन आयरन इज लार्जर देन कॉपर, देन इट इज लार्जर देन जिंक, जिंक इज लार्जर देन कॉपर, देन इट इज लार्जर देन आयरन, या फिर कॉपर कॉपर इज लार्जर देन आयरन एंड आयरन इज लार्जर देन जिंक. यहाँ पे रिएक्टिविटी बताना है माय डियर फ्रेंड्स, जिसकी जितनी रिएक्टिविटी होगी वो उसको उतना रिप्लेसेबल करेगा. जैसे कि यहाँ पे FeCuSO4 इस रिएक्शन में बता रहा है कि आयरन क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट को रिप्लेस कर रहा है और अपन जगह ले रहा है यहाँ पे आयरन सल्फेट. तो ऑब्वियसली आयरन क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आयरन इज ग्रेटर देन कॉपर. अब सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो जिंक जो है वो आयरन सल्फेट को रिप्लेस करके अपनी जगह बना रहा है, तो जिंक क्या है, आयरन से ग्रेटर है. तो इसका आंसर यहाँ पे फर्स्ट पे गौर कीजिएगा आप, जिंक इज ग्रेटर देन आयरन एंड आयरन इज ग्रेटर देन कॉपर. हियर द आंसर इज ए ऑप्शन. द गैस इज लिबरेटेड व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द जिंक ग्रैन्यूल्स. वो कौन सी गैस है जो लिबरेट होती है, कब, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट होता है जिंक के ग्रैन्यूल्स से. अगर हम इसका रिएक्शन देखेंगे तो जिंक रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस इज रिलीज्ड हियर. सो हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है, कब, जब जिंक रिएक्ट हो रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इसका आंसर है हाइड्रोजन. हियर द क्वेश्चन इज NaOH रिएक्ट विद द HCl, then it gives rise to NaCl plus H2O. This chemical reaction is an example of neutralization reaction, substitution reaction, addition reaction या फिर combustion reaction. My dear friends, जब कभी भी sodium hydroxide react होता है hydrochloric acid के साथ, तो ये देता है NaCl, salt, sodium chloride plus water. तो ये कौन सा reaction का example है, कौन सा chemical reaction है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि एसिड और बेस, ये क्या है, बेस है और ये है एसिड. व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ वन अनदर देन इट गिव्स राइज टू सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. हियर द आंसर इज ए. हियर द क्वेश्चन इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज, वेदर इट इज C3H12, C6H12, C6H6 या फिर C6H10. माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बेंजीन की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6. अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से होगा. ओके, देन हियर H, हियर इज द H. Here, the answer is C. The question is, the process that helps in the absorption of upward movement of the water and minerals dissolved in it from the roots to the leaves in plants. My dear friends, इस question में ये बताया जा रहा है कि process, ऐसा process जिसमें water and minerals का root से उसके leaves, उसके branches तक water और minerals का पहुँचना, या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, रूट से लीव्स तक वाटर एंड मिनरल को अपवर्ड मूवमेंट में पहुंचाना, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, तो इसका आंसर है ट्रांसपीरेशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट पाथवे ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट इन द ह्यूमन बॉडी इज, वेदर इट इज पल्मोनरी आर्टरीज से राइट वेंट्रिकल then right atrium. Next option is pulmonary arteries, then right atrium, then right ventricle. Ya phir next option pulmonary veins, left ventricle ya phir left atrium. Ya phir pulmonary veins se left atrium, then left ventricle. My dear friends, yahan pe ye pucha ja raha hai ki oxygenated blood lungs se heart ki taraf jo jata hai,
उसका करेक्ट पाथवे क्या है ह्यूमन बॉडी का, तो यहाँ पे देखिए लंग्स, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ जाता है। वो कैसे जाता है, पहले तो लेफ्ट एट्रियम, ओके, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ जाता है। तो यहां पे सबसे पहले आता है लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, देन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। यहां पे लेफ्ट एट्रियम पल्मोनरी वेन से होते हुए जाता है, ओके, पल्मोनरी वेन से होते हुए जाता है, पल्मोनरी वेन से। अब यहां पे अगर हम ऑप्शंस पे गौर करें तो सबसे पहले आता है पल्मोनरी वेन्स, देन लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके, पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, द ऑप्शन इज डी। हियर द क्वेश्चन आस्क्ड, हार्मोन दैट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द ह्यूमन बॉडी इज, वेदर इट इज टेस्टोस्टेरॉन, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन या फिर इंसुलिन। माई डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ऐसा हार्मोन जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट को मेंटेन करता है, रेगुलेट रखता है उनके मेटाबॉलिज्म, उनके वर्क को, तो वो कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरॉन है, एड्रेनालिन है, थायरॉक्सिन है या फिर इंसुलिन है। अच्छे से याद रखें, टेस्टोस्टेरॉन जो है वो टेस्टिस को सीक्रेट करता है, एड्रेनालिन जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, एड्रेनालिन हार्मोन एंग्रीनेस को भी कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन यानी कि इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग फैट एंड प्रोटीन। थायरॉक्सिन हार्मोन फैट एंड प्रोटीन को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और ये जो इंसुलिन है ये हमारे ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करने में इंसुलिन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो इसका आंसर है फैट एंड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कौन रेगुलेट करता है, थायरॉक्सिन, द आंसर इज सी। हियर द क्वेश्चन इज मिसमैच्ड पेयर अमंग द फॉलोइंग, एड्रेनालिन पिट्यूटरी ग्लैंड, टेस्टोस्टेरॉन टेस्टिस, इंसुलिन पैंक्रियाज या फिर थायरॉक्सिन थायरॉयड ग्लैंड। माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है एक दूसरे से मैच नहीं होने वाले यानी कि मिसमैच पेयर को बताओ। अगर हम सेकंड ऑप्शन पे ऑब्जर्व करें तो ये करेक्ट है, टेस्टोस्टेरॉन टेस्टिस को प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन पैंक्रियाज ये भी करेक्ट है, थायरॉक्सिन थायरॉयड ग्लैंड को। अब यहाँ पे एड्रेनालिन एंड पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये दोनों मिसमैच्ड पेयर हैं, क्योंकि एड्रेनालिन हार्मोन जो है उसको पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज नहीं करता, सीक्रेट नहीं करता, तो इसका आंसर है एड्रेनालिन। ये एड्रेनालिन जो है वो जस्ट लोकेटेड, वो प्रेजेंट कहाँ पे रहते हैं, किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर एड्रेनालिन प्रेजेंट रहते हैं, और इन हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज नहीं करता, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। द क्वेश्चन इज पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसिशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस एंड मेंटेनिंग द पोस्टर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, वेदर इट इज पॉन्स, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस या फिर सेरिबेलम। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि उस पार्ट को बताओ, ह्यूमन ब्रेन का वो पार्ट जो कि वॉलेंट्री एक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वॉलेंट्री एक्शंस यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन या फिर बॉडी का रेगुलेशन या फिर मेंटेनिंग द या फिर बैलेंस द बॉडी में कौन सा ह्यूमन ब्रेन का पार्ट हेल्प करता है, तो इसका आंसर है सेरिबेलम। अच्छे से याद रखें, सेरिबेलम। पैथोजन दैट कॉजेस गोनोरिया एंड साइफिलिस ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, वेदर इट इज प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगस। माय डियर फ्रेंड इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ऐसे पैथोजन बताओ, क्या वो पैथोजन प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, वायरस है या फिर फंगस है, जिसकी वजह से गोनोरिया और साइफिलिस डिसीज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से ट्रांसमिट होती हैं, फैलती हैं, तो वो कौन सा पैथोजन है, क्या वो प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, वायरस है या फिर फंगस है, तो इसका आंसर है वायरस। वायरस जस्ट लाइक एड्स, एड्स में कौन सा वायरस होता है, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ओके। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है ये
ये एक वायरस है जिसकी वजह से इस टाइप के जो डिसीजेस हैं वो ट्रांसमिट होती हैं थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. द क्वेश्चन इज करेक्ट सीक्वेंस फाउंड इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावर इज वेदर इट इज पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सीड सीड एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन एम्ब्रियो सीड पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन या फिर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन सीड एंड एम्ब्रियो. माई डियर फ्रेंड्स अच्छे से याद रखें स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहले आता है पॉलिनेशन. पॉलिनेशन यानी के ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फीमेल. ओके पॉलिनेशन प्रोसेस इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ द मेल टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल. देन सेकेंड इज द फर्टिलाइजेशन. आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. ओके हियर द फर्टिलाइजेशन. ओके आफ्टर फर्टिलाइजेशन द थर्ड स्टेप इज एम्ब्रियो. देन आफ्टर एम्ब्रियो मेड द सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. हियर फर्स्ट स्टेप इज पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन देन एम्ब्रियो एंड सीड. हियर द क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ द प्लांट सीड दैट ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू रूट ऑन जर्मिनेशन वेदर इट इज कॉटिलेडन एंडोस्पर्म रेडिकल या फिर सीड कोट. माय डियर फ्रेंड इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि प्लांट सीड का वो पार्ट जो कि ग्रो होता है डेवलप होता है इनटू रूट ऑन जर्मिनेशन रूट में डेवलप होता है आफ्टर द जर्मिनेशन. द सीड पार्ट जो ऊपर का जो पार्ट है हम उसको प्लूम्यूल का नाम देंगे. ओके हियर दीज बोथ आर कॉटिलेडन कॉटिलेडन. ओके हियर जो अपर पार्ट है सीड का जो अपर पार्ट है प्ल्यूम्यूल इसको हम नाम देंगे प्ल्यूम्यूल विच डेवलप्स इनटू शूट. ओके देन हियर जो नीचे का जो पार्ट है वो क्या है रेडिकल हम इसको नाम देंगे. ओके रेडिकल विच डेवलप्स इनटू रूट. माय डियर फ्रेंड्स ये जो दोनों कॉटिलेडन है इनका फंक्शन क्या है इट हेल्प्स इन स्टोरिंग द फूड मटेरियल. कॉटिलेडन हेल्प्स इन स्टोरिंग द फूड मटेरियल स्टोरेज ऑफ फूड ये क्वेश्चन में आ सकता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि वो पार्ट बताओ जो रूट में जर्मिनेट होता है रूट में कन्वर्ट हो जाता है. तो आंसर इज रेडिकल. हियर द क्वेश्चन इज इफ ए राउंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट is crossed with the wrinkled yellow seeded pea plant. The seeds produced in the F1 generation are parent plant kya kya hai? Round and green seeded. Okay. When they are crossed with the yellow and wrinkled and yellow seeded plant. To inka jo F1 generation hai. After crossing they'll produce the F1 generation. Here the F1 generation is capital R, small r, capital Y and small y. तो जो dominant character है हम उसी को consider करेंगे ना ये है round और ये है yellow. Round and yellow seeded plant. In F1 generation they have produces the round and yellow seeded plant. Here the option D is correct. The next question is experiences of an individual during its lifetime cannot be passed on to its progeny because they are inherited traits. Acquired traits, dominant traits या फिर recessive traits. My dear friends, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इंडिविजुअल के कुछ एक्सपीरियंस को उसके फर्स्ट जनरेशन या फिर उसके प्रोजेनी या फिर जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते क्योंकि क्या वो इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं क्या वो एक्वायर्ड है डोमिनेंट है या फिर रेसेसिव है. My dear friends, टू टाइप्स ऑफ ट्रेट्स होते हैं. पहला तो इनहेरिटेड ट्रेट्स और सेकेंड है एक्वायर्ड ट्रेट्स. इनहेरिटेड ट्रेट्स यानी कि अपने पेरेंट्स से जनरेशन में जो आदतें जो हैबिट्स ट्रांसफ़र होती हैं हम उनको इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं. एक्वायर्ड यानी कि अपने मेहनत के बलबूते पे जिस भी पोजीशन को हम हासिल करते हैं वो पोजीशन अपने जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होती क्योंकि वो अपनी ज़ाती मेहनत से होती है. तो हम
इसको मेहनत अपने मेहनत के बलबूते पे जो पोजीशन हम हासिल करते हैं हम उसको एक्वायर्ड कहते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट, जो कि किसी भी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती, जबकि इनहेरिटेड जो ट्रेट है वो नेचुरल होती है, यानी कि अपने बाप दादा से जो ट्रांसफर होती आ रही हैं हैबिट्स, हम उसको इनहेरिटेड ट्रेट्स में रखते हैं। तो कुछ एक्सपीरियंस इंडिविजुअल के कुछ एक्सपीरियंस जो कि उनके प्रोजेनी या फिर उनके जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते, क्योंकि ये एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं, अपनी खुद की ज़ाती मेहनत से कमाए हुए कैरेक्टर्स हैं, तो हम उसको एक्वायर्ड ट्रेट कहेंगे। द क्वेश्चन इज एनालॉगस ऑर्गन्स हैव सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन, सेम स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन, या फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फंक्शंस। माय डियर फ्रेंड्स, एनालॉगस, एनालॉगस यानी कि सेम फंक्शन एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर, अच्छे से याद रखें, सेम फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन, इसका आंसर सी हो गया। हियर द क्वेश्चन इज ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑक्सीजन एट द हायर लेवल्स ऑफ एटमोसफियर by the action of whether it is x-rays, ultraviolet radiations, infrared radiations या फिर radio waves। My dear friend, इस question में ये पूछा जा रहा है कि जो ozone layer है वो कौन सी radiations हैं जिनकी वजह से, जिनके action से ozone layer higher level of atmosphere पे oxygen की मदद से form होता है। तो वो कौन से radiations हैं? वो ultraviolet radiations हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से ओजोन लेयर फॉर्म होती है। हियर द ऑप्शन इज बी। हियर द क्वेश्चन इज अ प्रोडक्ट दैट कैन नो मोर बी यूज्ड फॉर द ओरिजिनल पर्पस बट इट इज यूज्ड फॉर सम अदर यूजफुल पर्पस। ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम ओरिजिनल पर्पस के लिए तो यूज नहीं कर सकते, उसको कुछ अदर पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो क्या हम इसको रिसाइकल कहते हैं, रिड्यूस कहते हैं, रीयूज कहते हैं, या फिर रीपर्पस कहते हैं? माय डियर फ्रेंड, ये जो डेफिनेशन है वो रीपर्पस का है। आप 5R अच्छे से याद रखें, सबसे पहला R जो है वो है रिड्यूस का। फर्स्ट स्टेप इज रिड्यूस, देन रिफ्यूज, देन रीयूज, देन रीपर्पस, देन रीसाइकल। ओके, रिड्यूस, रिफ्यूज, रीयूज, रीपर्पस एंड रीसाइकल। तो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है वो रीपर्पस का है, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको ओरिजिनल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, जितना यूज़ करना था कर लिया, अब उसको हम कुछ अदर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो हम उसको रीपर्पस कहते हैं। द आंसर इज हियर डी, रीपर्पस। हियर द क्वेश्चन इज द वाटरशेड मैनेजमेंट इज डैश वेदर इट इज इंक्रीजेस प्रोडक्शन एंड इनकम ऑफ वाटरशेड कम्युनिटी, इंक्रीजेस ड्राउट्स एंड फ्लूड्स, डिक्रीजेस द बायोडाइवर्सिटी ऑफ डाउनस्ट्रीम रिजर्वायर्स, या फिर इंक्रीजेस डिफॉरेस्टेशन। माय डियर फ्रेंड्स, इसको अच्छे से याद रखें, वाटरशेड मैनेजमेंट जो है इट इज यूजफुल, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द बायोमास, बायोमास को इंक्रीज करने के लिए वाटरशेड मैनेजमेंट का इस्तेमाल होता है। तो अब यहाँ पे बायोमास किसको कहते हैं? बायोमास इज नथिंग बट टू इम्प्रूव द प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज, प्लांट प्लस एनिमल इज नथिंग बट बायोमास। ओके, सो प्लांट प्लस एनिमल इज इक्वल टू बायोमास, बायोमास इट इज हेल्पफुल टू इम्प्रूव द प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज। तो वाटरशेड मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं टू इंक्रीज द बायोमास। यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन एंड इनकम ऑफ वाटरशेड कम्युनिटी, इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन एंड इनकम ऑफ वाटरशेड कम्युनिटी, तो इसका आंसर ऑप्शन ए है। इंक्रीजेस ड्राउट एंड फ्लूड, ऐसे तो हमने नहीं पढ़ा। डिक्रीजेस द बायोडाइवर्सिटी, ऐसे भी हमने नहीं पढ़ा, बल्कि इंक्रीजेस द बायोडाइवर्सिटी, इंक्रीज द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज नथिंग बट बायोमास। ओके, इंक्रीजेस डिफॉरेस्टेशन, ऐसे भी हमने नहीं पढ़ा। अगर जब कभी भी ऑप्शन समझने ना आए ना, तो यहाँ पे ऑप्शंस को ट्रिक के बेस पे रिमूव करने का सोचिए। ऑप्शन को चूज करने से पहले ऑप्शन को अगर रिमूव कर देंगे तो ऑप्शन को चूज करने में बहुत आसानी होगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक था कर्नाटका SSLC साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि सिर्फ 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए ही हेल्पफुल नहीं है, बल्कि कर्नाटका TET एग्ज़ाम के लिए जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई किए हैं
पेपर वन हो या फिर पेपर टू, उन सभी के लिए ये पेपर बेहद ज़रूरी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो भी नोट्स हैं ये सभी नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द उर्दू के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अपलोड कर दूँगी, और कल हम कर्नाटका TET का साइंस का जो पेपर है उसको एनालाइज करेंगे। 2020 साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे। माय डियर फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रॉम नबहा दोस्तों।